वड़ा पाव फूड स्टॉल फॉर डोनेशन मनी। एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, हीरो कमल और हीरोइन मीरा नाच रहे थे और उसका वीडियो बना रहे थे। कमल का मैनेजर का नाम था गोविंद और मीरा का मैनेजर का नाम था किरण। दोनों मैनेजर बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों ही चालबाज थे। गोविंद कमल का नाम लेकर प्रोड्यूसरों से पैसे लेता था। इसी तरह किरण भी मीरा का नाम लेकर बड़े बड़े लोगों से पैसे लेता था। एक दिन कमल ने गोविंद को पकड़ा, उसे खूब मारा और कहने लगा, कमीने नीच, मैं सब जान गया हूँ कि मेरा नाम लेकर तुमने किस किस से कितने कितने पैसे लिए हैं। फिर कभी जिंदगी में दोबारा अपनी ये मनहूस शक्ल मुझे ना दिखाना, कहकर उसे धकेल दिया। मीरा ने भी अपनी चप्पल उतारे और किरण को खूब मारते हुए कहने लगी, कमीने चोर, तू उस आदमी से कहता है कि अगर वो 10 लाख रुपए देगा तो मैं उसके साथ एक रात बिताऊंगी। हाँ, मैं तुझे कैसे दिखती हूँ? मुझे पता चला है कि इससे पहले भी तुम ऐसे कई लोगों से पैसे ले चुके हो। ये कहकर कि मैं उनके साथ रात गुजारूंगी, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? दफा हो जाओ यहाँ से, कहकर चिल्लाने लगी। इस तरह किरण की नौकरी चली गई। गोविंद और किरण एक बार में बैठकर शराब पीते हुए दुखी हो रहे थे। उन दोनों का दोस्त अमर उन दोनों को दिलासा देने लगा। अमर, अब छोड़ो यार, जो हुआ सो हुआ, अब इसके बारे में ज्यादा सोचकर दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। गोविंद, अरे यार, अच्छी नौकरी थी, अच्छे पैसे मिलते थे और जिंदगी आराम से कट रही थी, बस सब बेड़ा गर्क हो गया। अब मैं क्या करूं? मेरा तो जी करता है उस कमल को मार डालूं। किरण, हाँ यार, मीरा के पास मुझे खूब पैसे मिलते थे, अब क्या करूं? सब गया हाथ से। अब ये दोनों पूरे फिल्म इंडस्ट्री में हमारे खिलाफ शिकायत करेंगे, अब किसी और के पास हमें भटकने भी नहीं देंगे। मैं उस मीरा को छोड़ूंगा नहीं। तब अमर, अरे यार, उन दोनों का नाम लेकर तुम दोनों ने इतने दिन खूब पैसे कमाए है ना, अब मेरे पास ऐसा बढ़िया तरकीब है जिससे तुम दोनों उन दोनों का नाम इस्तेमाल करते हुए खूब पैसे कमा सकते हो। किरण, क्या सच में? अरे भैया, जरा जल्दी बताओ, तुम्हें पुण्य मिलेगा। तब अमर, यार, मैं कमल के डूप और मीरा के डूप को जानता हूँ, वे दोनों उन दोनों के हम शक्ल हैं। अगर थोड़ी सी मेकअप कर दें और उन्हें विग पहना दें तो हूबहू वैसे ही दिखाई देंगे। हम उन दोनों को गांव-गांव घुमाकर लोगों से मिलाएंगे, उन्हें दिखाते हुए लोगों से पैसे ऐंठेंगे। ये तो लोगों के डोनेशन देने पर निर्भर होगा कि ये दोनों उन लोगों के साथ सेल्फी लेंगे, शेक हैंड देंगे या उन्हें गले से लगाएंगे। तब गोविंद, लेकिन यार, डोनेशन लेने के लिए लोगों को वजह तो बतानी होगी ना, हम उन्हें क्या कारण बताएंगे? तब अमर, अरे यार, अपने देश में तो जब देखो कोई ना कोई विपत्ति होती रहती है, कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा, कहीं भूकंप तो कहीं आंधी, बस लोगों से कह देंगे, इसीलिए हम डोनेशन मांग रहे हैं। इसीलिए हम एक वड़ा पाव का ठेला लगाएंगे और इन दोनों हम शक्ल से हम वड़ा पाव बेचने को कहेंगे और जो जैसे डोनेशन देगा उस हिसाब से वड़ा पाव के साथ सेल्फी या शेक हैंड या गले लगाना होगा। तब किरण, अरे यार, तेरा आइडिया कमाल का है, चलो हो जाए यार इसी बात पे, चीयर्स। यूं कहा तो तीनों ने अपने ग्लास खनकाए। इस तरह तीनों मिलकर एक गांव में गए और पोस्टर चिपकाने लगे। उस पोस्टर पर कमल और मीरा के फोटो थे और नीचे लिखा था, सुपरस्टार कमल और मिल्की क्वीन मीरा कमिंग टू दिस विलेज, डोनेट मनी एंड ईट वड़ा पाव। ये पढ़कर लोग एकदम पागल हो गए। लोगों ने वड़ा पाव के ठेले के सामने लाइन लगा दी। सब लोग अपने अपने हाथों में पैसे लेकर खड़े थे। वो दोनों हमशक्ल वहीं खड़े थे। किरण, आओ भाई आओ, हाल ही में केरला में हुई बाढ़ के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए कमल और मीरा मैडम दोनों खड़े हैं यहाँ पर। जो भी आकर इस दान पेटी में पैसे डालेगा बस उन्हीं को ये वड़ा पाव मिलेगा। 1,000 में सेल्फी, 5,000 में शेक हैंड और 10,000 में एक हग मिलेगा। आओ भाई आओ, पैसे डालो और मौज मनाओ। लोग आने लगे, दान पेटी में पैसे डालने लगे और कमल और मीरा के दिए हुए वड़ा पाव लेकर जाने लगे। कुछ लोगों ने सेल्फी ली
कुछ लोगों ने उन दोनों से हाथ मिलाया। कुछ लड़कियों ने कमल को गले से लगाया और कुछ लड़कों ने मीरा को गले से लगाया। इस तरह उन लोगों ने खूब पैसे कमाए। यूं एक गांव में जाकर वड़ा पाव का ठेला लगाकर उन्होंने खूब पैसे कमाए। एक दिन ये कार्यक्रम एक गांव में चल रहा था कि तभी कुछ युवक वहां पहुंचे। उनमें से एक, ए तुम लोग हो कौन? भाइयों, हमारे प्रिय अभिनेता कमल जी पड़ोसी गांव में शूटिंग कर रहे हैं, मीरा जी भी वही हैं, हम अभी अभी उनसे मिलकर आ रहे हैं, तो ये दोनों कौन हैं? लगता है ये लोग आप लोगों को ठग रहे हैं। यूं कहकर वहां पड़े एक बाल्टी में से पानी निकालकर उन दोनों डुबकियों ऊपर मारा। बस उनका मेकअप बिगड़ गया और उनका विग निकल आया। ये देखते ही लोग समझ गए, सब ने मिलकर उन चारों ठगों को खूब मारा।